लेक्चर नंबर 5 में आज हम लिमिट ऑफ द फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स की बात करेंगे। तो यहाँ पे लिमिट x अप्रोच करता है 2 को और y भी अप्रोच करता है 2 को, तो जब x की जगह मैं 2 पुट करूँगा तो ये बन जाएगा 2 पावर 4 माइनस 2 पावर 4 डिवाइड बाई 2 होल क्यूब एंड 2 होल क्यूब, मतलब x की जगह भी मैं 2 पुट करूँगा और y की जगह भी 2 पुट करूँगा, तो ये बन जाएगा 16 माइनस 16 और ये हो जाएगा 8 माइनस 8, तो 16 माइनस 16 से 0 आ जाएगा और इधर भी 0 आ जाएगा, तो इसको 0/0 फॉर्म या एन डिटर्मिनेट फॉर्म कहा जाएगा। अब इसकी हम सिंप्लीफिकेशंस करेंगे, मैं लिख दूंगा लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 2 तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, मैं एक्स पावर 4 की जगह लिख दूंगा एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर होल स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स होल क्यूब माइनस वाई होल क्यूब, तो ये आ जाएगा लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 2 तो यहाँ मैं लिख दूंगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स माइनस वाई एंड टू एक्स क्यू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये वाला फार्मूला मैं यूज़ करूँगा। अगेन हम इसकी मज़ीद भी सिम्प्लीफिकेशंस कर सकते हैं, ये जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है इसको मैं मज़ीद सिम्प्लीफाई कर सकता हूँ, मतलब मैं इस तरह लिख सकता हूँ लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 2 तो मैं लिख दूँगा एक्स माइनस वाई एंड टू एक्स प्लस वाई एंड टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय, डिवीजन में क्या जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा एक्स माइनस वाई एन टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, तो ये एक्स माइनस वाई इस एक्स माइनस वाई के साथ कैंसिल हो जाएगा और मैं बाद में लिमिट भी अप्लाई करूँगा लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 2 तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई एन टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और बिलो टर्म्स आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो x की जगह मैं 2 पुट करूँगा तो ये बन जाएगा 2 प्लस 2 और y की जगह भी 2 पुट करूँगा, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर से 4 आ जाएगा, इससे भी 4 आ जाएगा और ये भी 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 डिवाइड बाय 4 एंड 4 12 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा मतलब 4/3 हमारे पास आंसर क्या जाएगा 4/3। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके बाद हम पार्शियल डिफरेंशिएशंस की बात करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन हम किस तरह फाइंड करेंगे।